के कैपिटल के, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर, पोटेशियम। यस इट स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, बट के फर्स्ट लेटर इसके किस नेम से डिराइव किया गया है? इंग्लिश नेम, केलियम। जर्मन नेम, लैटिन नेम? लैटिन नेम केलियम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब, कुछ बच्चे भी पूछ रहे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। एनीवन हु नोज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस? देखो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो होती हैं, फोन, लैपटॉप्स, ठीक है, जो लो वोल्टेज में चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यू नो देर इज इलेक्ट्रिक करेंट, एंड वॉट इज इलेक्ट्रिक करेंट, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिक करेंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगरेशन मतलब इनको जगह देना, किस में? शेल्स। कौन सी शेल्स? द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। फर्स्ट शेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज के शेल, सेकेंड शेल इज एल एल, नेक्स्ट थर्ड शेल इज एम एल एम, कैपिटल एम। थर्ड वन इज एम एन, एन फॉर नागपुर, ठीक है, एम नहीं, एम से यहाँ लेट्स से मेघालय। तो इनके क्वांटम नंबर्स भी हमने पढ़े थे, इसके क्वांटम नंबर के की है 1, एल की है 2, एम की है 3, एन की है 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पोटेशियम के? 19। 19 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। चलो मुस्कान सुन रही हो? हाँ सर। देखो तो ये गलती ईश, मुस्कान और एक था कोई, आई डोंट रिमेम्बर। देखो तुम लोगों ने क्या गलती की है, तुम लोगों ने ऐसे लिख दिया 19 को 2881, जो कि गलत है। आपको लिखना है 289। बताओ क्यों? क्योंकि एम शेल की कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम? 18 इस क्वांटम 18 नंबर को यहाँ पुट करोगे तो पता चलेगा एन इक्वल्स टू 3 के लिए 18। तो अगर आप यहाँ 9 ना लिखकर 8,1 लिखते हो, जो कि मैंने क्लास में बताया था, बट इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक रीजन ये था, अगर तुम लोग को ध्यान होगा, 2, 8, 1, ये इसलिए मैंने बताया था क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर जाए, ताकि अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं लास्ट शेल में, इसके बच गए हैं, वो पर्पस था मेरा। तुम लोगों ने शायद ये समझ लिया कि इसके एन शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, इसके एम शेल में ही कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम की, व्हाट? 289, नॉट 2881, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम का बता दो जल्दी, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, एटॉमिक नंबर है 20। बताओ कैसे फिल करोगे? 2810 2810। कुछ स्टूडेंट्स ने 2810 की जगह 82 ऐसे लिख दिया, तो इसका ये मतलब है कि इसकी लास्ट शेल एन है? नहीं, इसकी आखिरी शेल एम ही है। वो मैंने बस एक चीज दिखाने के लिए आपको 10 को ऐसे इसलिए लिखा था क्योंकि इसे ये क्लियरली पता चल जाता है कि लास्ट शेल में ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देंगे, देन इट विल हैव इट्स ऑक्टेट, राइट? सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। जितने इलेक्ट्रॉन्स लीव या गेन करता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, वही उसकी वैलेंसी होती है, राइट? ओके, और इसलिए नोबल गैसेस की क्या होती है वैलेंसी? जीरो जीरो जीरो, क्योंकि वो नाइदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। हेडिंग दो आप लोग कि केमिकल लॉ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग दो सब लोग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जल्दी दे दी। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डन। सो देखो एज द वर्ड सेज केमिकल कॉम्बिनेशन, और हाँ कुछ बच्चे गूगल से कॉपी कर रहे हैं, बताओ ये क्या मतलब?
किस तरह की सिंसेरिटी है यार तुम लोग की। चिराग हाँ तुम्हारा, तुमने भेजा है मुझे पर्सनली? तुमने तो नहीं भेजा मुझे चिराग होमवर्क। आई डिडंट रिसीव एनी। एंड बाय द वे डू वी हैव अ न्यू स्टूडेंट साधना? सॉरी सर इट्स मी सुची। अच्छा अच्छा ओके ओके। सो और सूची तुमने भी होमवर्क नहीं भेजा, ग्रुप में एडेड नहीं हो क्या? सर मैं एडेड हूँ और मैंने होमवर्क भी किया है बट मुझे पता नहीं था कि आपको सेंड करना है। अच्छा अनिमेश तुमने सच बताओ किया है कि नहीं किया था? सर मैं आपको क्लास के बाद अभी सेंड कर दूंगी। ठीक है अनिमेश बताओ सच्ची। सर मैंने तो भेजा है आपको। तुमने भेजा है? तुम्हारा भी नंबर सेव नहीं है क्या? नहीं सर मैंने अपने दूसरे नंबर से भेजा है। मैं लिख देता हूँ उस पे अनिमेश। लास्ट में 4363 है। और अपूर्वा तुमने सच बताओ किया है कि नहीं होमवर्क? सर मैंने होमवर्क किया है। तो भेजा क्यों नहीं? सर मैं आपको अभी भेज दूं। यस सर लास्ट में 4363 है। ठीक है सर। हाँ बताओ। सर मैंने वो गलती से डिलीट कर देना सर, आपने देखा होगा सर मेरा होमवर्क सर, मैं तो फिर से भेज दूं अभी। हाँ तुमने डिलीट क्यों किया? सर गलती से हो गया सर, मैं कुछ और ही कर रहा था। ठीक है फिर क्लास के बाद भेज देना। और रिद्धि ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो क्लोरीन 17 ऐसे ऊपर नहीं लिखते हैं। ठीक है कोई भी केमिकल एलिमेंट लिखते हैं दिस स्पेस टॉप राइट कॉर्नर में, इस स्पेस में हम एक्चुअली एटॉमिक बताओ नंबर लिखेंगे या मास? मास। ठीक है तो तुमने क्लोरीन यहाँ ऊपर 17 लिखा है। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स रॉन्ग, 17 लिखना है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो या फिर नीचे ऐसे लिखो यहाँ डाउन साइड, दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर एटॉमिक नंबर। ओके चलो देखो बहुत सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डज इट स्टेट्स? कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी नॉट द टोटल नंबर, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सर मेरा बस एक पूछना था सर, जो क्लोरीन का सर हमने जो एटॉमिक मास लिखा था सर, वो हमने लिखा था 35.5। सर वो तो बुक में सर आपने हमें वो लिखवाया था 36 सर, आपने बोला था कि अप्रॉक्स लेना था। अप्रॉक्स ले लो बट आपकी बुक में 35.5 है तो 35.5 ले लेना। नहीं नहीं 35 अकॉर्डिंग टू द बुक ले लो। मैंने 36 इसलिए कह दिया था क्योंकि 5 के बाद कुछ और मे बी यहां यू नो 9 या 8 हो समथिंग, तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली 36 ले लिया। बट क्लोरीन को 35.5 लेकर बनाना सवाल अगर आएंगे तो। ठीक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज गोइंग टू बी द सेम एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सर ये मास और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड वाटर राइट, दे कंबाइन अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and in the chlorophyll right? Yes sir. And what do they give out? Glucose ka formula C6H12O6 thick plus water nahi oxygen energy nahi, respiration mein energy nikalti hai, photosynthesis mein nahi. Respiration ka basic purpose hai, क्लास के बाद ही अब भेज देना चिराग, टाइम से पढ़ लिया करो मैसेज और क्लास के पहले भेजा करो। दैट गोज टू चिराग एंड अपूर्वा जो भी लेट से भेजते हैं अपना होमवर्क। तो फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस है क्या? फूड प्रिपेयर करना विच इज ग्लूकोज। अच्छा वेल आपका ध्यान मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, दिस साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन सेपरेटेड बाई दिस एरो, ये एरो दिख रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ एरो these species are known as reactants and to the right of these arrow these are known as products. So law of chemical combination says the total mass of reactant is going to be the same as that of total mass of product. This also means law of conservation.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका मतलब क्या है कि मास जो होता है ना कंपाउंड्स का वो कंजर्व रहता है. कंजर्व का ये मतलब है कि लेट्स से तुमने 18 ग्राम्स प्लस 2 ग्राम्स, लेट्स से 18 ग्राम्स ऑफ सपोज कैल्शियम एंड 2 ग्राम्स ऑफ वाटर तुमने आपस में रिएक्ट करवाया और तुम्हें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और लेट्स सपोज तुम्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 25 ग्राम्स मिल गया. तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है बताओ? 20 ग्राम 18 प्लस 22. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है 25. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कहीं से और एक्स्ट्रा मास कहां से आ जाएगा? जो रिएक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे स्पीशीज कैल्शियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब इनका ही कंबाइंड मास है 20 ग्राम्स, सो फ्रॉम वेयर 4 ग्राम, यू नो सॉरी नॉट 4, फ्रॉम वेयर द 5 ग्राम एक्स्ट्रा केम फ्रॉम. ठीक है, तो ये वायोलेट करता है किसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. मैं फिर से बता दूं इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे चेक किया था. ठीक है, इसका बेसिक लॉ जिसपे ये आधारित है, जिसपे ये स्टैंड करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट सिंपली मीन्स दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट. और इसीलिए अगर कोई आपसे पूछते कि ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी में देखो इन्होंने क्या क्या चीजें आपस में रिएक्ट करवाई हैं. ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास 3 choices हैं. फर्स्ट चॉइस क्या है? कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट. चलो शुरू हो जाओ जल्दी से. कॉपर सल्फेट याद करो, कॉपर Cu सिंबल, राइट, वैलेंसी. कॉपर की वैलेंसी है 2. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कॉपर नहीं है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में, लेकिन याद रखो कॉपर आयरन इनकी वैलेंसी 2 होती है. ठीक है, ओके, नोट करना है कहीं पे कर लेना. फिर सल्फेट बताओ कैसे लिखते हैं सल्फेट को? से SO4. क्या वैलेंसी SO4 की? 2. क्रिस क्रॉस मेथड, ये 2 कॉपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 सल्फेट के साथ. तो कॉपर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट सल्फेट 2. अब दोनों के ब्रैकेट्स के बाहर 2 कॉमन है, तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप सोच सकते हो इनके बीच में? 1. बिगेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज 2. 2. तो 2 ones are 2 ones are. तो फॉर्मूला क्या हो गया? CuSO4. ब्रैकेट के बाहर 1 नहीं लिखते हैं यूजुअली. ठीक, उसी तरह गाइस सोडियम कार्बोनेट. अब मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट. देखो सोडियम है Na, सबको पता है, वैलेंसी है 1. कार्बोनेट है CO3, वैलेंसी इसकी anyone remembers? सर 2. 2 याद रखो यार, क्रिस क्रॉस मेथड. तो Na2CO3. ठीक है, ये जो फर्स्ट, और लिखते जाओ ये केमिकल रिएक्शंस, इनके नीचे ऐसे छोटा सा लिख देना 1.25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 1.43 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैज बीन टेकन. ठीक है, ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है एक्टिविटी का. ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? एनीवन, कोई सोच सकता है? CuCO3 और Na2SO4. क्यों, रीजन बता सकते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड, डबल डिस्प्लेसमेंट. देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? 8th क्लास में याद करो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी. पी से होता है पोटेशियम, एस से होता है सोडियम, ठीक है, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम एंड सो ऑन. तो आपको दिखेगा कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक, अच्छा किसकी रिएक्टिविटी सीरीज है? मेटल्स की. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम. सोडियम सेकंड नंबर पे आता है और कॉपर की रिएक्टिविटी लो है सोडियम से. तो सोडियम क्या करेगा, इसको नॉकआउट कर देगा अपनी जगह से. कॉपर को बोलेगा चल भाई तू साइड हो जा,
लेट मी टेक योर प्लेस. सो सोडियम विल, चलो मैं और अच्छे से तुम्हें बताता हूँ, ऐसे समझ लो, बहुत ध्यान से सुनना. कॉपर सल्फेट सबको पता है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में आयन्स हैं, Cu2+SO4 2-. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आयन्स क्यों है? मैंने चार्ज भी बताया था आप लोगों को, हमेशा जो बॉन्ड होता है यूजुअली आयोनिक बॉन्ड इसे कहते हैं, ये ऑपोजिट चार्ज के स्पीशीज के बीच में फॉर्म होता है. उसी तरह सोडियम कार्बोनेट देखो, Na 1+ और कार्बोनेट है CO3 2-. हाँ, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यही कहती है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो हाई रिएक्टिव मेटल ना लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, धक्का दे देता है उसको. ये देखो सोडियम आएगा, कॉपर को नॉकआउट कर देगा. तो अब तुम खुद सोचो, जब सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे? सोडियम लिखोगे उसकी वैलेंसी 1, सल्फेट लिखोगे उसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया क्या आ गया Na2SO4. तो बेचारा ये कॉपर कहाँ जाएगा? ये कॉपर को इसकी जगह लेनी पड़ेगी. तो अब हाँ, अब कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सिंपल, कॉपर की वैलेंसी लिखी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया. क्रिस क्रॉस समझ रहे हो ना सब लोग? फिर Cu ब्रैकेट 2, CO3 ब्रैकेट 2. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्या है इनके बीच में? 2 है. 2 1s are 2 1s are. 1 को लिखते नहीं यूजुअली ब्रैकेट के बाहर, तो CuCO3. ठीक है. सो ऑल दे आर ट्राइंग टू से इज, देखो चेक करो जल्दी, इनका सम कितना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट? 1.68. क्या बोला तनुष्का? 2.68 हो जाएगा. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 2.68 ग्राम. तो इस एक्टिविटी में गाइज वो यही ऑब्जर्व तुमसे करवाना चाह रहे हैं कि मेजर करो प्रोडक्ट के मासेस, क्या वो 2.68 ग्राम के इक्वल होगा? बताओ यस या नो. यस सर. अंडर, हाँ, अंडर विच लॉ? अंडर विच लॉ? लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 2.68 ग्राम होगा ही, लिख के ले लो. मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. एक चीज, एक लाइन लिखो सब लोग, द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. The first law of chemical combination is the law of conservation of mass, which states. Sir, combination के बाद क्या बोला था आपने? हाँ. The first law of chemical combination is law of conservation of mass. Is law of conservation of mass. फिर board में देखो, which states that. Total mass of reactants will always be, ऐसे लिख लो, will always be equal to the total mass of products formed during a chemical reaction. और ये रिएक्शन नीचे जो लिखा है ना उसको कॉपी कर लेना. थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए. अच्छा अच्छा, देखो अब दिख रहा है? यस सर, अब ठीक है. ये सिंपल है, या किसी को किसी तरह का डाउट है पूछो, आस्क मी नाउ. नो सर.
और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो नए बच्चे हैं जैसे ईश, सूची, स्नेहा, मैंने एक्चुअली इनको पिछले साल ये लिखवाया था रिएक्टिविटी सीरीज, तुम लोग लिख सकते हो चाहो तो। ये देखो प्लीज, पहले लिख लो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, लास्ट में जी है। सो सॉरी, वैलेंसीज लर्न करनी पड़ेगी या फिर फॉर्मूला होते हैं वैलेंसीज? अगर तुमने याद कर लिया था तो तुम कंपाउंड के फॉर्मूलाज तुरंत बना लोगे, तो बेसिक चीज है वैलेंसी। ठीक है, ये जिसे लिखना लिख लेना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आई से आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, सी से कॉपर, फिर सिल्वर और गोल्ड। और ये एरो जरूर बना लेना, ये एरो बताता है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये सारे क्या है? मेटल्स। तो ये दिख गया होगा तुम लोगों को, देखो सोडियम यहाँ ऊपर सेकंड नंबर पे और कॉपर यहाँ नीचे से थर्ड नंबर पे, तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? सोडियम, दैट्स व्हाई उसने कॉपर को नॉकआउट कर दिया अपनी जगह से। और एक रिएक्शन भी लिखना है, थोड़ा जल्दी लिखो सब लोग। लिख लिया? यस सर। सबने लिख लिया? ओके, सेकेंड रिएक्शन देखो गाइस, बेरियम क्लोराइड एंड, दिख रहा है सबको? यस सर। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो मैं सब कुछ इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ। बेरियम, पता नंबर क्या है? वैलेंसी, मतलब नॉट द एटॉमिक नंबर, किसी को टू है, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेरियम और सल्फेट। अभी अभी पता है सल्फेट की टू होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो पता ही है बेरियम सल्फेट कुछ इस तरह आएगा। और नेक्स्ट क्या था? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अभी पता है ना, Na2SO4 लिखा था, ठीक है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम या बेरियम? सोडियम। बाय द वे बेरियम भी मेटल है, ठीक है। हाँ, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो वो से, एक मिनट रुको, मुझे कंफर्म करने दो। बेरियम क्लोराइड था, क्लोराइड था बेरियम, क्लोराइड। अच्छा बेरियम, वही मैं सोचू दोनों सल्फेट कैसे हो गए। बेरियम क्लोराइड था, तो लेट मी करेक्ट इट, Cl। क्या कह रहे हो शिवांग? तो क्लोराइड की फोर होती है वाले? नहीं नहीं, क्लोराइड क्लोरीन, क्लोरीन मतलब 17 ना। क्लोरीन 287, तो 287 एटॉमिक, मतलब 7 है वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन वो बुलाना चाहेगा ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, एक बुला रहा है तो एक वैलेंसी है, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। तो क्या हो गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ? BaCl2। BaCl2, बाकी लोग देखो कैसे आ रहा है BaCl2। Ba लिखेंगे पहले ब्रैकेट, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ जो कि क्लोरीन की वैलेंसी है, और फिर लिखेंगे क्लोरीन ब्रैकेट ये वाला 2 उसके साथ मल्टीप्लाई, इसी को क्रिस क्रॉस करते हैं। फिर 1 और 2 के बीच में HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है बाहर, Cl2 बस, ठीक। तो सोडियम बेरियम को अपनी जगह से नॉकआउट, तो बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl और बेरियम सल्फेट BSO4। ये बना के देख लेना कि ऐसे क्यों आ रहे हैं। NaCl क्यों ऐसा आया, क्योंकि Na की वैलेंसी 1 है, Cl की वैलेंसी है 1,
क्रिस क्रॉस करोगे तो NaCl ही बनेगा। बेरियम सल्फेट ऐसा क्यों है? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी है 2, सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो 2-2 कैंसिल हो जाएंगे तो BaSO4। थर्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन याद रखने हैं, ठीक है? एक्टिविटी से भी कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं, लेड नाइट्रेट। और ये जितने सारे रिएक्शन हैं, इसको हल्के में ना लेना, ये सेम रिएक्शन 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, केमिकल, क्या था चैप्टर का नाम, मैं चैप्टर का नाम भूल गया, बट ये सेम रिएक्शंस वहां मेंशन्ड है और ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो लेड नाइट्रेट, देखो लेड पीबी, पीबी सिंबल से, पीबी का, पीबी की वैलेंसी होती है एनीवन? सर 3 होती है सर। नाइट्रेट, हाँ, और नाइट्रेट की होती है 3-2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 2। नाइट्रेट यार याद रखो, पोटेशियम नहीं, नाइट्रेट की 1 होती है शायद, पोटेशियम नाइट्रेट। यार NO3 2 नेगेटिव होता ना, NO3 -1 होता है, सल्फेट और कार्बोनेट -2- होते हैं, चेक करो, कार्बोनेट और सल्फेट मैंने 2 लिखवाया था, नाइट्रेट 1-, चेक करो जल्दी से, NO3 के हिसाब से 1 होती है। सर जैसे KNO3 लिया तो सर 1 होगी ना, क्रिस क्रॉस रिवर्स करेंगे क्योंकि पोटेशियम की भी 1 होती है। हाँ हाँ, अच्छा तुम वैसे याद रखते हो, हाँ मैं भी एक्चुअली वैसे याद रखता हूँ, बट अगर किसी ने गलती से भी 2 लिखा है तो प्लीज करेक्ट कर लो, बट नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, और लेड की यार 3 नहीं होती है, लेड की 2 होती है। ओहो लेड की कितनी होती है 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रिस क्रॉस करो, पीबी ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस। सेकंड क्या था गाइस, सेकंड रिएक्टेंट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अब सबको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो पीबी को नॉकआउट कर देगा अपनी जगह से, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। जल्दी बताओ सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे? ओहो, सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे, कम ऑन, ऐसे करो बेसिक, सोडियम लिखो फिर नाइट्रेट लिखो, उनकी वैलेंसी नीचे नीचे लिखो, सोडियम की है 1, नाइट्रेट की है 1, क्रिस क्रॉस करो, बताओ क्या है, NaNO3, और लेड इसकी जगह आ जाएगा सोडियम की जगह, तो लेड क्लोराइड जरा लिख के बताओ, PbCl2, PbCl2, आर यू श्योर PbCl2 या PbCl, PbCl2, चेक कर लेते हैं, पीबी की वैलेंसी क्या लिखी अभी, 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद पता चला कि पीबी के बाहर ब्रैकेट 1 होगा और सीएल के ब्रैकेट के बाहर 2, तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए PbCl2। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर कभी आप ब्रैकेट हटा देते हो कभी ब्रैकेट रखते हो, उसका क्या मतलब है? यहाँ आपने क्लोरीन के सराउंड, हाँ बताओ सर, ये PbCl2 सर होल पे होगा इसलिए आपने ब्रैकेट लगाया? नहीं, जैसे यहाँ सोडियम, सॉरी फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो यहाँ OH के सराउंडिंग में क्यों ये ब्रैकेट लगाते हैं? सर OH का वो 2 है, यहाँ तो Cl के अराउंड भी ब्रैकेट के बाहर 2 आ रहा, तो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग द ब्रैकेट हियर अराउंड Cl, व्हाट्स द रीजन? ऐसे कह दो हाइड्रोक्साइड एक पॉली, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन था पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन किन किन एटम से बना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और क्लोराइड आयन किन किन एटम से बना है? क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन। तो ये पॉली एटॉमिक है क्या? क्लोरीन पॉली है,
नहीं यस कहाँ से, ठीक है सिंगल एटम है, तो दैट्स व्हाई जब भी सिंगल कैटायन या एनायन होता है तो उसके बाहर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जैसे ये देखो, इधर देखो सब लोग, क्या आप लोग को यहाँ दिख रहा है Na जो होल ट्वाइस है, क्या मैं होल को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या सिर्फ Na2? क्योंकि Na इस तरह का आयन है, सबसे पहली बात सर ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ओके पॉजिटिवली चार्ज में भी क्या, इज इट मेड ऑफ वन एटम और इज इट मेड ऑफ मोर देन वन एटम, टू और मोर देन टू, वन, दैट्स व्हाई Na2SO4। ठीक है चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो रिद्धि। आपको मैंने चैट पे कुछ भेजा है। ओ मैं चेक करता हूँ। ठीक है ठीक है रिद्धि, you may check with the recording later. Next guys heading दो। अच्छा हाँ by the way एक बात बताओ, France में जो water मिलता है और China में जो water मिलता है, दोनों का chemical formula same है या different है? Sir same है। पक्का? Yes sir। 100%? Yes same होगा। Graduated salts नहीं अलग। नहीं नहीं salt नहीं, मैं बस water पूछ रहा हूँ। सर सेम ही होगा तो मतलब, अच्छा ओके सो जैसे H2O छोड़ो, ये क्या था एक फॉर्मूला, आई मीन केमिकल रिएक्शन, चलो इसको ले लेते हैं H2O, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर इट ब्रेक्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड Oxygen. So the oxygen that you are obtaining from the electrolysis of water, is it different than the oxygen obtained from the photosynthesis process? Dono same hai, different hai? Sir, same hai, kyunki same hai. The formula same hai. Exactly, formula same hai. ओके ये पहली बात। और एक बात, जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम कंपाउंड, हु विल टेल मी, एनीवन इन दिस क्लास? कंपाउंड की प्रॉपर डेफिनेशन भी हमने लिखी थी, याद करो, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। बोलो टू और मोर एलिमेंट्स, आगे बोलो, कंप्लीट नहीं हुई डेफिनेशन। Compound is a substance made up of two or more, ठीक है, different, ये भी mention करना है, two or more different elements, आगे तो complete करो, chemically combined, in fixed proportion, ठीक है, डेफिनेशन लिखो सब लोग कंपाउंड के, बार बार भूल जाते हो, सेम चीज लिखो, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड proportion, done? Yes, sir. ओके डन सर। ओ क्या बात है अरिल, जल्दी लिख रहे हो आजकल, राइटिंग स्पीड इंक्रीज कर ली, इसका ये तो मतलब नहीं राइटिंग की क्वालिटी खराब हो गई है? नहीं नहीं वो नहीं। ठीक है डन। ओके ग्रेट, तो कंपाउंड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस क्योंकि ये जो नेक्स्ट लॉ है व्हिच इज, पढ़ो इसे सब लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये वर्ड देख रहे हो प्रोपोर्शन, अभी ये वर्ड मेंशन हुआ ना कंपाउंड में,
इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन? यस सर। तो उसका मतलब समझो। यस सर। देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने केमिकल रिएक्शन अभी लिखा था, अरे वो कहाँ गया? अच्छा वो इरेज कर दिया, चलो मैं फिर लिख देता हूँ। क्या था, H2O gives H2N O2 और फोटोसिंथेसिस का क्या था रिएक्शन, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2। अब 10th में जाओगे ना तुम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखोगे। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू बैलेंस इट। तो बैलेंस मतलब किसे किसे पता है बैलेंसिंग, ये बताओ। सर पता है। सिर्फ शिवांग को और सर पता है। तनुष्का और अथर्व सर पता है। ओके चलो मैं बैलेंस कर रहा हूँ फिर। खैर ये पूछेंगे नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हाउएवर बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2। मैं रेड कलर से लिखता हूँ 2, फिर यहाँ पे 2। हाँ सर। फर्स्ट वाली बैलेंस हो गई, सेकंड वाली बैलेंस करने जाओगे। अच्छा बैलेंस में अच्छे से बता देता हूँ। देखो जिनको नहीं पता है, बहुत सिंपल है, हमेशा रिएक्टेंट्स को अलग लिखो लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में। और रिएक्टेंट्स को लिखने का ये तरीका रखो कि यू स्टार्ट फ्रॉम द लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट मतलब मास के टर्म्स में लाइट कह रहा हूँ। सबसे लाइट तो सबको पता है हाइड्रोजन है ना, नंबर 1। यस सर। हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन, क्योंकि 6 है एटॉमिक नंबर, तो ऑलमोस्ट 12 है मास। ऑक्सीजन है 8। ठीक, उसी तरह यहाँ जल्दी से इनके क्वांटिटीज देखो। हाइड्रोजन कितने अमाउंट में, मतलब कितने एटम्स हैं इसके रिएक्टेंट में? 2। कार्बन के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं लेफ्ट में? 3। 2 ये और ये 1, 3। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं? 12। गुड। कार्बन के कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 और 2 8। हमेशा बैलेंसिंग लाइटेस्ट एलिमेंट से शुरू किया करो, जो कि है हाइड्रोजन। खुद सोचो 2 और 12 को सेम बनाने के लिए इनका क्या एलसीएम लोगे ना? 6 से मल्टीप्लाई। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 6 के चक्कर में अगर आप यहां 6 लिखते हो, देखो अब हुआ क्या, आप इस 2 को कट करके 12 लिख दोगे, सर हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। लेकिन इस 6 के चक्कर में सर ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन 6 और ऑलरेडी 2 था, मतलब 8 हो गया। चलो हम लकी थे, वी वर लकी कि इस चक्कर में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाउएवर अभी भी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। कार्बन गाइज 1 को 6 बनाना है, तो क्या करोगे? इंटू 6 कर दोगे। यहां 6 लिखोगे तो चलो ये 6 तो हो गया, लेकिन इस 6 के चक्कर में देखो क्या हो गया, 6 2s आर ऑक्सीजन 12 और 6, 12 और 6 8। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 6 लिखा है तो ये 6 2s आर ऑक्सीजन 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर में है? 6। तो 6 और 12 18, तो 18 लिखा मैंने, लेकिन यहाँ तो 8 है बस। तो दूसरे O2 में 9 मल्टीप्लाई कर सकते। 9 नहीं, वही तुम्हें समझना। देखो गाइस यहाँ 6 ऑलरेडी है, तुम्हें 18 बनाना है। 6 से 18 माइनस करो कितना होगा, 12। तो अगर तुम यहाँ 6 लिख दोगे, 6 2 जा 12 और 6 18 हो गया, 18 हो गया। यस सर। समझे? तो अब ये बैलेंस्ड है। देखो फिक्स प्रोपोर्शन से कहने का मेरा मतलब क्या था, ध्यान से सुनना इस बात को। ये प्रोपोर्शन वर्ड ही सबसे खतरनाक है इस पूरे डेफिनेशन में। प्रोपोर्शन सबको पता है, व्हेन रेशियोज आर equal, है ना? Yes sir. 2:4 is same as 1:2. They are in proportion. Okay. तो यहाँ देखो guys, 6 CO2 का मतलब क्या है? 6 molecules of carbon dioxide. चलो let's say तुमने एक molecule of CO2 लिया, एक सर। हाँ 1 को कैसे represent करते हैं? इसके सामने कुछ नहीं लिखते हैं। जब कुछ नहीं लिखा मतलब इसके सामने 1 है, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये 2 का मतलब समझ रहे हो ना? मैथ्स में 2 को मैसे लिखते हैं 2 डॉट्स। Yes, sir. बताओ कार्बन इज 2 ऑक्सीजन क्या अमाउंट में प्रेजेंट है?
1:2 गुड. और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कार्बन इज टू ऑक्सीजन का क्या रेशियो है? 6:12 जो कि 1:2 ही है. Because we can say 6:12 is in proportion to 1:12. In short, story ये हुई कि तुम एक molecule of H2O लो water, चाहे 10 molecules of water लो, चाहे 17 molecules of H2O लो. One molecule of H2O में hydrogen is to oxygen का ratio क्या होगा? 2:1. Good. 2:1. 10 molecules of H2O में 20:10. 17 molecules of H2O में 34:17. Right? So tell me finally, are these ratios in proportion? Yes, sir. That's what they mean. तो ये जो second law है, अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा. इन्होंने ये कहा था कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, और कंपाउंड्स अलग होते हैं मॉलिक्यूल से, एक्चुअली अलग इन द सेंस मैं बता रहा हूँ क्यों अलग होते हैं. जो भी कंपाउंड तुम दुनिया में कहीं भी फॉर्म करते हो, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, सच कंपाउंड हैव द सेम एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब इसका समझो, तुम फ्रांस में वाटर पियोगे तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ये नहीं कि तुम लेट्स से बहरेन, अच्छा बहरेन एक जगह है वैसे, बहरेन पता है, बहरेन में पानी पी रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ H2O2, मतलब मान लो H2C3, ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा वाटर का कि कार्बन प्रेजेंट है उसमें. नाउ दैट्स अ डिफरेंट कंपाउंड. सो दे मीन सेम एलिमेंट इन दैट सेंस एंड सेम प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है. ठीक है, इस लाइन को सब लोग लिखेंगे. किस लाइन को देखो, कहाँ गया यार वो, ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास. लिखो सब लोग, हेडिंग पहले देना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दिस इज द सेकंड लॉ एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. राइट इट डाउन क्विकली. ओके, सबने लिख लिया सर? बस एक मिनट सर. सर डन. ओके, बाकी लोग सब लोग कंफर्म कर दो. बता दो फॉर हाउ मच टाइम शुड आई वेट. ओके ओके. ठीक है, तो जब ये दो थ्योरीज, सॉरी नॉट थ्योरीज, ये दो लॉज बेसिस बने केमिस्ट्री के, उसके बाद फिर प्रॉब्लम केमिस्ट्स को यहाँ पे आई. केमिस्ट्स कौन होते हैं? जो यू नो केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं. तो उनको ये प्रॉब्लम आई कि टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज. ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सर किस सेंस में? एटॉमिक मास के सेंस में. ठीक है, कि जैसे यहाँ अभी अभी मैंने बताया ना, H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2+O2 प्रोड्यूस होगा. तो किसी को ये पता ही नहीं चल रहा है, लेट्स से मैंने 250 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया है, तो एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि ओके एक मिनट, पहले इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे.
तो एक मिनट, आई थिंक ये मैं तुम लोग को तभी बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा. न्यूमेरिकल्स किसके? मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो कि 250 ग्राम्स ऑफ वाटर जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो दिस 250 ग्राम्स विल प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. कुछ लोग बोलेंगे सर 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 150 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, द सम ऑल्सो इज मेकिंग 250. कुछ लोग कह सकते हैं नहीं सर 120 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 80 और 50. तो हाँ शिवांग तुम क्या बोल रहे थे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं नहीं नहीं, 2:1. अच्छा एक्चुअली वो 2:1 और जो भी हमने अभी प्रोपोर्शंस देखे ना, जैसे ग्लूकोज का पता क्या हो जाएगा, C6H12O6, तो इसका हो जाएगा पहले लिखोगे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, इसका क्या रेशियो हो जाएगा गाइस? 6:12. हाँ पहले लिखोगे 6:12:6. अब देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? 1:2:1. ये रेशियो है. वो रेशियो वाली बात एक्चुअली शिवांग याद रखना कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, तुमने उसको केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करवा दिया. केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंट देन कंपाउंड. ठीक है, एक्चुअली जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल्स बेसिकली करेंगे. ये जो कोएफिशिएंट्स देख रहे हो तुम लोग 2:2 और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, मतलब 1:1. इसका ये मतलब निकल के आता है गाइस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 2 मोल्स ऑफ नॉट हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस एक मिनट, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. सॉरी मैं गैस लिखना भूल गया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस. तुम लोग सोच रहे होगे सर 2 मोल्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाउ डज दैट मेक सेंस? आपने तो अभी अभी कहा था कि अगर लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ 2 है तो राइट साइड में भी यू नो जो सम होना चाहिए प्रोडक्ट्स का वो भी 2 होना चाहिए. एक्चुअली वो सम मास का है. वो सम किसका है? मासेस. इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये जो मोल्स है ना, मोल्स एक्चुअली मास रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. मोल्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लो या तो उसका वेट नाप लो. वेट नहीं, मास. मास वेट इज डिफरेंट. दो चीजें होती हैं. मोल्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज का मतलब है. अरे यार एक डजन में कितनी चीजें होती हैं? 12. तो एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? इसकी एक पूरी क्लास हुई थी, बताओ. 12. एक मोल पूछ रहा हूं. 6.023 × 10³, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. क्या कहते हैं? भूल गए तुमने, फर्स्ट क्लास की थी. आपने 2:2 लिखवाया था. अच्छा चलो कुछ टेक्स्ट बुक में 2:3 लिखते हैं. एनसीईआरटी में 2:2 मेंशन है, 2:3 मेंशन है. सर आपने 2:2 लिखवाया था पहले. एक मिनट चेक कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे ही फॉलो करो. कुछ टेक्स्ट बुक में 2:2 लिखते हैं, कुछ में 2:3 लिखते हैं. तो ये रहा, दिख रहा है 6.22 है. ठीक है 2:2 लिखा था हमने क्लास में. 6.022 × 10³. तो 2:2 ना? यस सर. ठीक वही लिखना. तो
चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं जब ये बात उठी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। और ये 5 मिनट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये ऑलमोस्ट 50% वेटेज ऑफ दिस चैप्टर है, और यहीं से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होती है। ये चीज में मैसअप मत करो, तो अपना पूरा फोकस अटेंशन, कोई आसपास डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नॉइज आ रही है, अलग रूम में चले जाओ या कान वान बंद कर, आई मीन कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गाइज एक डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे 1 मोल में 6.022 × 10⁻²³ चीजें होती हैं। उन चीजों को हम एंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एंटिटीज। एंटिटीज अब बहुत प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या तो वो आयन्स हो सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे इफ यू रिमेम्बर, या तो वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स एटसेट्रा। ठीक, बहुत ध्यान से सुना, ये एक इंपॉर्टेंट कैच है पूरी स्टोरी का। स्टैंडर्ड क्या था गाइस मास मेजर करने का? कौन सा एटम? विच एटम? कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटोप? विच आइसोटोप? C12। ठीक, और स्टैंडर्ड ये निकला था कि मास 1/12th मास, कितना? 1/12th मास ऑफ C12 एटम इज 1 amu, राइट? ये स्टैंडर्ड था। 1 amu को ऐसे भी लिखते थे, और 1u। तो इसी से हम रिलेट करते हैं बाकी सबको और उनका मास एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव टू दिस। रिलेटिव मतलब इसकी तुलना में। ओके, तो ये देखो अब शुरू होता है मेन कॉन्सेप्ट। वन एटम ऑफ कार्बन, बताओ कितना इसका मास होगा? जब भी मैं मास वर्ड बोलूं तो अपने कान खास कर एकदम अलर्ट हो जाओ, खड़े कर लो। सर आप मास ग्राम में पूछ रहे हो, एएमयू में पूछ रहे हो, किस में पूछ रहे हो? आप लोगों को क्या आदत है बताओ मास किस यूनिट्स में एक्सप्रेस करने की? केजी। ठीक है, चलो ग्राम, ग्राम वाली क्वांटिटीज हम कहाँ यूज करते हैं यार? इतना ग्राम मसाला डालना है, इतना ग्राम सॉल्ट, या इतना ग्राम चीनी, इतनी ग्राम यू नो चीनी खाने में, व्हाटएवर। वो ग्राम रिप्रेजेंट्स यू नो 1000th ऑफ अ केजी, सबको पता ही है केजी ग्राम में रिलेशन। लेकिन एक एटम यार वो तो कितना 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 छोटा है, तो उसके लिए ग्राम यूज करना भी एक तरह से अनजस्टिफाइड लगता है। दैट्स व्हाई व्हाट यूनिट डू वी यूज ऑफ मास? AMU. AMU. और U, तुम्हारी जो मर्जी तुम यूज करो, लेकिन हम अक्सर ये यूज करते हैं U, यूनिफाइड मास। ये स्टैंडर्ड है, आई मीन मॉडर्न केमिस्ट्री के लोगों ने U को बोला है यूज करो। तो सर पक्का सर U की कुछ रिलेशन होनी चाहिए ग्राम के साथ? हाँ है ना, और वो है 1.66 × 10⁻²⁻²⁻²⁻¹⁻¹¹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 
ठीक है, जिन्होंने ये नोट नहीं किया था कर लेना, वैसे ये मैंने मेंशन करवाया था क्लास में, याद करो। यस सर, आपने लिखवाया था, माफ कर, लिखवाया था। तो बस ये रिलेशन यू और ग्राम के बीच में। अब यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये वन यू किसका मास है? ये वन सी, वन सी ट्वेल्व एटम का नहीं है, वन ट्वेल्थ उसका, सी ट्वेल्व का मास है। सर वन ट्वेल्थ का मतलब, मान लो सपोज कर लो एक कार्बन एटम का मास है 12, सपोज, तो 1/12 कितना हो जाएगा उसका? 1. ठीक, तो हम ढूंढते हैं कि हमें पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ये सबको पता है, और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन सब का मास क्या बनाता है? पूरे एटम का मास, ठीक है? तो 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन ये तीनों पार्टिकल मिलकर एक एटम को बनाते हैं, ठीक। तो 1/12 मतलब 1 सब एटॉमिक पार्टिकल का मास ग्राम में इतना होता है, ये समझ में आया? श्योर। ये जो 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किस में प्रेजेंट हैं? 1 कार्बन एटम में, राइट?
1c12 एट, लेकिन ये आगे सामने क्या लिखा है, 1/12 मास ऑफ, ऑफ मतलब इनटू होता है मैथमेटिक्स में, 1/12 इसका मतलब है 1 subatomic particle का मास कितना होता है, 1 amu, जो कि ग्राम्स में इतना होता है. ओके तुम एक बात बताओ, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल, चलो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ प्रोटॉन, चलो लिख लेता हूँ, ऐसे बोलने से नहीं चलता है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना वैलिड है? नहीं सर. क्यों सर? क्योंकि वो सम ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता ना, उसका तो कुछ काम ही नहीं होता. मैंने ये एग्जैक्ट नहीं बताया था क्लास में. Why don't we consider the mass of electron? Anyone who remembers? Sir, because negligible, it is very light. Because they're negligibly lighter than protons. So 1 amu actually mein kis subatomic particle ki baat hoti sir? Proton or neutron. 99.99% of mass inhi ke chalte banta hai. Mass of atom 90, uska 99.99% मास इनके चलते बनता है. इलेक्ट्रॉन्स को एकदम नेग्लिजिबल मानते हैं. तो गाइज अगर एक प्रोटॉन छोड़ो, मैं यहाँ लिखता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल, एक सब एटॉमिक पार्टिकल का मास है 1 amu, तो एक कार्बन एटम को ऐसी 12 चीजें बना रही हैं. कितनी चीजें बना रही हैं ऐसी? 12, 12 ना, तो 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा मास? 12 u ना. अरे 1 प्रोटॉन का मास 1 u है, तो 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा मास? 12 u ना. यस सर. ठीक, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैच इस पूरी स्टोरी का, बहुत ध्यान से सुनना. हम यहाँ डजन की बात नहीं कर रहे हैं कि सर 12 आप लिख रहे हो, हम यहाँ मोल की बात कर रहे हैं. अगर 12 सब एटॉमिक पार्टिकल 12 u के बराबर है, तो 1 mole सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, उनका कितना मास होगा सर U में? एक्चुअली U में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं. सर कैसे बड़ा हुआ, ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इतना है, तो सबको ये अभी अभी पता ही है, तो 1 सब एटॉमिक पार्टिकल का मास हो जाएगा, 1 सब एटॉमिक पार्टिकल मास 1 u, तो 1 mole लेना है, राइट. 1 mole में कितनी चीजें होती हैं, अभी अभी हमने देखा, 6.022 × 10⁻²³ subatomic particles will have mass कितना हो जाएगा? अगर unitary method क्या बोलता है, अगर left hand side में कुछ multiply किया तो right hand side में भी वही multiply करना पड़ेगा, तो right hand side में भी 6.022 × 10⁻²³ इनटू, ये तो था ही पहले से ना, 1 u लिख देंगे, तो 1 × anything तो वही चीज होती है, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 6.022 × 10⁻²³. ये समझ में आया अब तक सबको? Yes, sir. लेकिन yes, sir. एक बात बताओ, क्या मैं 1 u की जगह ग्राम में ये लिख सकता हूँ? 1 u सबको पता है ग्राम में इतना होता है. Yes, तो 1.66 × 10⁻²⁴ यूनिट्स, देखे क्या हो गए, U से ग्राम. नहीं चिराग, अभी बस और 2-3 minutes ग्राम. तो गाइज ये कैलकुलेटर में इनपुट करके देख लेना, अभी नहीं क्लास के बाद, बट इसे नोट कर लो सब लोग. 6.022 × 10⁻²³ × 1.66 × 10⁻²⁴ दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 g. दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, एक मिनट 12 नहीं, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 g. बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पढ़ा ना 7th में. Yes, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5, तो किसी भी नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है, हमेशा प्रोडक्ट 1 आता है. तो उसी तरह 6.022 × 10⁻²³ का रेसिप्रोकल है ये, वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि 1.66 × 10⁻²⁴ का रेसिप्रोकल है 6.022, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा आएगा 1. तो हमें क्या पता चला कि 1 mole ऑफ एनी, ठीक है, 1 mole ऑफ एनी क्वांटिटी हैज हाउ मच वेट?
ठीक है, नॉट एनी एक्चुअली, आई शुड से कार्बन, क्योंकि स्टैंडर्ड है वो कार्बन एटम C12 के, वन मोल ले लोगे तो उसका ग्राम में आ जाएगा 1 ग्राम. तो बस ये अगर समझ में आ गया तो देखो बहुत आसान है. यहां से 1C एटम, 1C एटम का क्या था मास गाइस? 12U. ठीक है, तो कितने कार्बन एटम्स का मास हो जाएगा 12 ग्राम? 1, 2, 100, 1 लाख, 1 करोड़? नहीं, 1 मोल. 1 मोल सी एटम्स का मास हो जाएगा 12 ग्राम. और एग्जांपल्स देखो बहुत जल्दी जल्दी. 1, let's say ओ एटम, ऑक्सीजन का एटम, उसका मास कितना होता है याद करो? 16 U. तो कितने ऑक्सीजन एटम्स का मास हो जाएगा 16 ग्राम्स? 1 मोल. ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन. कैल्शियम, जल्दी बताओ, 1 कैल्शियम एटम का कितना होता है मास? 40 U. ठीक, तो कितने कैल्शियम एटम्स का मास 40 ग्राम हो जाएगा? 1 मोल कैल्शियम एटम्स. परेशान कर रहे हैं, रहने दे, घर पहुंच जाएंगे आई थिंक, इसलिए एक मिनट सोची. बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट करो. हम अभी यहाँ कैसी एंटिटीज ले रहे हैं? आयंस, मॉलिक्यूल्स. कैसी एंटिटीज ले रहे हैं? एटम्स. एटम्स. अब चलो जल्दी से वो लेते हैं, मॉलिक्यूल्स. ध्यान से सुनना, ये समझ में आया कैसे यू ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है? जब आप उसी के मोल नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ले लेते हो, मोल जिसमें 1.6 सॉरी जिसमें 6.022 × 10³³ चीजें होती हैं, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है. CO2, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, जल्दी बताओ. वेरी गुड, कंपाउंड है. मॉलिक्यूल नहीं है क्या? मॉलिक्यूल भी है. मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, एक चलो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का चलो जल्दी से मास निकालते हैं यू में. सर कैसे निकालेंगे? देखो इसमें ध्यान से, कितने कार्बन एटम है? सर 1 C एटम. कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2 O एटम्स. इन दोनों का प्लस करोगे तो 1 CO2 मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा. Yes, तो 1 × 1 C एटम का कितना होता है मास? 12 U. 2 × 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होता है मास? 16 U. कितना हो गया गाइस? 12 U प्लस 32 U, टोटल 44 U. तो क्या पता चला कि 1, यहाँ लिखने जा रहा हूं, 1 CO2 मॉलिक्यूल हैज मास 44 U. तो कितने CO2 मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम हो जाएगा? 1 मोल. और 1 मोल में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? वही बड़ा चौड़ा नंबर जो था, 6.022 × 10³. ये दिमाग में बैठा लो, जैसे डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे 1 मोल में इतनी चीजें होती हैं. और इसको नहीं बार बार कहने का मन है तो उसको Na कहो, ऐसे लिखते हैं Na. Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट. ठीक है, और एक कंपाउंड लो जल्दी से. हाँ बोलो बोलो सर. इस वाले Na में A कैपिटल रहेगा? हाँ. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी. कौन कौन से एटम्स हैं? 1 Ca एटम कैल्शियम एटम, 1 C एटम. कितने O के एटम्स हैं? 3 O एटम्स. बताओ 1 C एटम का कितना होता है मास? 1 × 40 U. 1 कार्बन का कितना होता है मास? कार्बन 12 U. 1 ऑक्सीजन का कितना होता है एटम का मास? 16 U. याद रख लो, तो 3 × 16 कितना हो गया? 48 U. 12 U. 40 U. सबका सम करो, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है. यस, 100 U.
बस अपने आप से वही क्वेश्चन पूछो, अगर वन एक CaCO3 का मॉलिक्यूल, वन CaCO3 मॉलिक्यूल हैज मास 100 U, तो कितने सारे CaCO3 के मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम बनाएंगे? वन मोल, वन मोल, बस इतनी सी बात है, वन मोल। ठीक है, तो अब आते हैं वही उस पेज पे, ये देखो कहाँ गया यार वो H2O वाला, तो ये कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। अरे यार वो पेज कहाँ गया, एक मिनट, वो याद है पेज जिसमें हमने बैलेंस्ड, चलो इरेज कर दिया होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ जल्दी से, क्या थी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन जल्दी बताओ, कहाँ वन कहाँ टू हमने लिखा था कोएफिशिएंट, तो हमने क्या लिखा था एग्जैक्टली, 2 मोल ऑफ वाटर, वाटर वाटर मॉलिक्यूल है ना, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गिव, एरो मतलब गिव्स, हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड मतलब प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यही दुविधा, यही प्रॉब्लम डाल्टन जी ने दूर की थी। ठीक है, कैसे, ये देखो जल्दी जल्दी बताओ, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन मतलब कितना ग्राम ऑफ वाटर, कौन मुझे बताएगा? चलो मैं एक करके दिखाता हूँ, तुम लोग H2O2 खुद बताओगे मुझे। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम सबको पता है कि 1H2O मॉलिक्यूल का U में कितना मास हो जाएगा, फटाफट मैं कैलकुलेट करूंगा, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो 2 इंटू 1 करूंगा सर, 1 क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है मास, 1U, तो 2 इंटू 1 प्लस कितने ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, एटम्स 1, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है U में, 16, तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो 18U किसका मास है, एक दो तीन चार, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल एक है ना सामने है, मानसविन, ओके सर, मैंने वो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिखा, 2, तो अगर एक H2O मॉलिक्यूल का U में मास है 18U, तो 2 H2O मॉलिक्यूल्स का यूनिफाइड मास में 36U। ठीक है, चलो पहले 1 मोल निकालते हैं, तो 2 मोल खुद निकालोगे तुम लोग, तो हम बोल सकते हैं कि 1H2O मॉलिक्यूल का वेट है 18U, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा 18 ग्राम, तो बताओ 2 मोल मतलब कितने ग्राम, 36 ग्राम, वेरी गुड, तो अब समझ में आया 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ग्राम में होते हैं कितने, 36 ग्राम। चलो अब जल्दी से निकाल के बताओ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ग्राम में कितने होंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ग्राम में कितने होंगे, जल्दी सर, ये एंड को प्लस मानना है ना, हाँ हाँ वो प्लस तो बाद में करेंगे, पहले तुम सिर्फ ये निकालो हाइड्रोजन का इंडिविजुअल और फिर ऑक्सीजन का इंडिविजुअल, जल्दी किसे नहीं समझ में आया ऑनेस्टली अभी मुझे बता दो, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला, हाँ किसे नहीं समझ में आया बताओ यार, आई मीन बी ब्रूटली ऑनेस्ट यार, कम ऑन, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं सर, 2H2 का है सर 4 ग्राम मोल में और सर ऑक्सीजन का है 32 ग्राम, पक्का? हाँ सर, बाकी लोग चेक करो जरा, सर ऑक्सीजन का 16 नहीं होगा, 16 ग्राम है सर, 16 ग्राम, नहीं मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तुम लोग बता रहे हो, मैं तो मैंने तुम लोगों से पूछा ना, 2 इसका सर कंपाउंड में, ये कंपाउंड का फार्मूला या इसके 2 एटम है ऑक्सीजन में, गुड, यहाँ सामने कुछ नहीं लिखा है मानसविन, इसका मतलब 1, that's why I've written 1 mole of oxygen gas, फिर तो 16 ग्राम, ए इसे 10 मत समझना, कितना गंदा देख रहा है 10, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ 1, सर फिर तो ये 16 ग्राम है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम ही है, ओके लेट्स सी, सब के सब ना कसम से 32 है, 16 कैसे आएगा, देखो कैसे मेरे भाई, 1 ऑक्सीजन 1 ओ एटम का कितना होता है मास, यूनिफाइड मास में बताओ, 16U, गुड,
O2 में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, सर ये 2 किसका है? वही तो पूछ रहा था। तो यार O2 तुम्हें खुद समझना ना, O2 में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऐसे बॉन्डेड रहते हैं। ओके सर, ये 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 2 ऑक्सीजन LO कंपाउंड। कंपाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है सर, मॉलिक्यूल। मॉलिक हे भगवान, एटम एटम सर, इट्स एन एटम। तो वन ऑक्सीजन एटम 16U, तो 2O एटम 32U, तो 2O एटम 32U दे रहे हैं, तो कितने O एटम 32 ग्राम देंगे? 1 मोल। मतलब बेसिकली उल्टा अगर पूछो तो 1 मोल O एटम का मास हो जाएगा, O एटम्स 32 ग्राम हो जाएगा। यहां 1 मोल का ही निकालना 32 ग्राम, और ये बिल्कुल सही है 4 ग्राम, तो 4 प्लस 32 आ रहा है ना 36। Yes, sir. Law of conservation of mass हो रहा है ना fulfill? Yes, sir. तो इस चक्कर में ना रहना, moles को ना add subtract करते रहना, mole का वास्ता नहीं है उससे, किससे? Law of conservation of mass, mole का किससे वास्ता है? Number of quantity. मम्मी मम्मी बाजार जा रहे हो ना, मेरे लिए 2.5 दर्जन केले ले आना। डर्जन का मास से कोई मतलब नहीं है। सर क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, किसी दुकान में बनाना, एक बनाना लेट्स से कोई शॉप ए से लेकर आया और एक बनाना कोई शॉप बी से लेकर आया, एक क्या रिप्रेजेंट करता है? एक क्वांटिटी। जरूरी है बताओ, क्या उन दोनों बनानास का मास जरूरी है सेम होगा? बताओ। नो सर। नहीं ना। नो सर। बस वही बात है, इसलिए सारे मासेस को एक सिंगल यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए पहले साइंटिस्ट ने एक 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 पर्टिकुलर एटम को स्टैंडर्ड माना, किसे? कार्बन C12 एटम। फिर उससे सबको रिलेट करने लगे वो लोग, रिलेट मतलब रेफरेंस, मतलब कंपेयर करने लग गए कि कार्बन के मुकाबले कौन कितना हेवियर है या लाइटर है, ठीक है, और उसको मोल्स में एक्सप्रेस किया। फिर अब मोल और ग्राम का ये रिलेशनशिप आई थिंक तुम लोगों को क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और अच्छे से फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये दो लॉस क्लियर है। ठीक है, अपना होमवर्क नोट कर लो बिफोर वी लीव। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू रीड दिस। देखो आई मे एंड अप टेकिंग अ सरप्राइज टेस्ट। रीड व्हाट बेसिकली? पता नहीं यार वो पेज कहाँ गया। आई थिंक ये फर्स्ट पेज है ना। ये सेकंड पेज। ठीक है, ठीक है गाइज, वो फर्स्ट पेज से शुरू करना है, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करना है एकदम, फर्स्ट पेज से। दिख रहा है फर्स्ट पेज? वहां से लेकर डाल्टन थ्योरी, दोनों लॉज यहां तक पढ़ना है आपको। कहां तक? यही आयन। What is an ion? Writing a chemical formula में कोई ऐसा theory नहीं है, ये तो आप लोग देख ही चुके हो, और I think ये भी हमने discuss कर लिया था, याद करो। Table दिख रहा है सबको? Table sir, page number कौन सा है? Basically page number 37, पूरा नहीं cover करना है, यहाँ तक cover करना है। ये देखो, a group of atom carrying a charge is known as polyatomic ions. Basically, ion का part है। तो शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ना है आपको। You have to read. I may end up taking a surprise test. Okay? Note कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. And yes, sir. I hope this table is also clear to everyone. Cations and anions का table है? Yes, sir. Yes, sir. Positively charged ये दिख रहे हैं सबको, yes, और ये सारे के सारे negatively charged. ठीक। चलो guys, so I'll see you in the next class. Till then. एवरीवन टेक केयर, और अपना होमवर्क करो टाइम से। ओके बाय बाय सर। हां हां यश बोलो। थैंक यू सर। सर आप एक बार बता देंगे कि आपने कौन-कौन से चैप्टर ऐसे कर चुके हैं? श्योर, फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। यस सर। सेकंड, फिर वो था ना सेल, बायो में, और बायो में और क्या हुआ था गाइस? टिश्यू। टिश्यू और ये फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और वो क्या कहते हैं।
टेस्ट फिर से होगा, रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा. चलो ओके सर. ओके गाइस, आई विल सी यू, टेक केयर एवरीवन. बाय सर, थैंक यू. बाय सर, थैंक यू सर.